20. चित्रकूट। राम ने भारद्वाज के आश्रम में रात बिताई। प्रातः उठकर उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। मुनि ने उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार किया जैसे कि वे उनके अपने बच्चे थे और उन्हें जंगल के माध्यम से कैसे जाना चाहिए, यह समझाने के बाद उन्हें अपने आशीर्वाद के साथ भेज दिया। तीनों ने उनके स्थलाकृतिक निर्देशों का बारीकी से पालन किया और कालिंदी नदी पर आ गए। उन्होंने जंगल के लट्ठों और बांस और लताओं के साथ एक बेड़ा बनाया और उस पर लक्ष्मण ने सीता के लिए छोटी टहनियों और पत्तियों के साथ एक आसन बनाया जिस पर वो बैठी थीं। नदी का मार्ग असुरक्षित था। बीच में सीता ने देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें और तीनों को सुरक्षित रूप से घर लौटने के लिए सक्षम किया जाए। कुछ और धाराओं को पार करने के बाद वे एक बड़े बरगद के पेड़ के पास आए जिसका वर्णन किया गया था भारद्वाज, और इस पेड़ के नीचे सीता ने फिर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे पवित्र वृक्ष अनुदान, कि मेरे पति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें और मैं फिर से रानियों कौशल्या और सुमित्रा को देख सकूं। वो रास्ते में जो भी फूल या फल मांगती है उसने कहा, उसके लिए ले आओ और उसका उत्साह बनाए रखें। सीता के जाते ही उसने जंगल के पेड़ों और लताओं के बारे में पूछते हुए एक उत्सुकता दिखाई और एक तरफा प्रशंसा में खो गई। वन जीवन की सुंदरता। उन्होंने यात्रा का बहुत आनंद लिया और एक नदी के तट पर रात के लिए विश्राम किया। यहाँ और अन्य स्थानों पर वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि कैसे राम और लक्ष्मण ने शिकार करके भोजन प्राप्त किया। वो यह स्पष्ट करता है कि उन्हें बड़े पैमाने पर मांस पर निर्वाह करना पड़ता था। कुछ अच्छे लोग इससे परेशान हैं, लेकिन क्षत्रियों के लिए मांस वर्जित नहीं था। वास्तव में भारत में हमेशा से यह नियम रहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को वैध रूप से प्राप्त और पवित्र करके बलिदान के रूप में अनुमति दी जाती है। राम एक क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तरीके से जंगल में रहते थे। हालांकि संयम से अगली सुबह राम ने लक्ष्मण को जगाया और कहा, सुनो, पक्षी सुबह के सूरज को गा रहे हैं, यह समय शुरू करने का है। लोकप्रिय कहानी है कि लक्ष्मण ने वन जीवन की पूरी अवधि बिना भोजन या नींद के वाल्मीकि में नहीं पाई जाती है। कभी कभी थकान के कारण भी लक्ष्मण सुबह जल्दी नहीं उठते थे और राम ने उन्हें नींद से जगाया था। उन्होंने अपनी पूजा और पूजा की और भारद्वाज द्वारा बताए गए मार्ग पर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। गर्मी का मौसम था और पेड़ पौधे बहुरंगी फूलों से जगमगा रहे थे। फल और फूलों के भार के नीचे झुकी शाखाएं। राम ने समय समय पर सीता को जंगल की सुंदरता की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे चलते हैं। वन कितना सुंदर है मानव हस्तक्षेप से अप्रभावित। वहां लटके हुए मधुमक्खियों को देखो, पूरी तरह से गिरे हुए फूलों से ढकी जमीन को देखो, पक्षियों को सुनो, वे कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के लिए गाते हैं और आनंद में रहते हैं। जीवन वास्तव में सुखद होगा यदि हम हमेशा ऐसे दृश्यों और ध्वनियों का आनंद ले सकें। तब उन्होंने चित्रकूट पहाड़ी को कुछ दूरी पर देखा। वे प्रसन्न हुए और उस ओर तेजी से चलने लगे। कितना सुंदर है यह क्षेत्र, राम चिल्लाया, यहाँ के जंगल में अच्छी खाने योग्य जड़ें और फल हैं। पानी साफ और मीठा है। ऋषि इस जंगल में आश्रमों में रहते हैं और हम निश्चित रूप से यहाँ उनकी पवित्र संगति में खुशी से रह सकते हैं। वे अपने लिए एक आश्रम बनाने के लिए आगे बढ़े। लक्ष्मण चतुर कर्मकार थे। उन्होंने जल्द ही एक मजबूत झोपड़ी का निर्माण किया जो मौसम सबूत थी और इसे आरामदायक और सुविधाजनक बना दिया। अकेले उन्होंने बांस और जंगल सामग्री से बने खिड़कियों और दरवाजों के साथ मिट्टी की झोपड़ी को पूरा किया। कंबन और वाल्मीकि इस प्रकरण के अपने खातों में एक दूसरे के साथ हैं। कंबन कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने संरचना पूरी कर ली थी, राम ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया और उनसे पूछा, तुमने यह सब कब और कैसे सीखा?
कोई भी दृश्य की कल्पना कर सकता है। राम खुशी के आंसुओं से भरी कंबन के अनुसार कहा, मिथिला की राजकुमारी के फूलों के नर्म पैर कठोर जंगल के फर्श को पार कर गए हैं। अगर उनके पैरों ने एक चमत्कार किया है तो क्यों लक्ष्मण आपके हाथों में भी है घर निर्माण का चमत्कार किया। मैंने आज लाभ देखा है जो दुर्भाग्य में है। यहाँ माल्यावती नदी के तट पर सुंदर चित्रकूट पहाड़ी के पास उस झोपड़ी में तीन युवा रहते थे, देखभाल से मुक्त अपनी दैनिक भक्ति करते हुए। वे भूल गए कि वे निर्वासन में थे और देवताओं से घिरे स्वर्ग में इंद्र की तरह खुशी से समय बिताया। चित्रकूट में सुखी जीवन तीनों के बाद के दुखों और दुखों को दूर करने के लिए एक अद्भुत पृष्ठभूमि है।